So God will explain why that was. जी फरमाइए. The see-through petition had actually been filed when Election Commission was trying to remove the chairman Imran Khan from the position of chairmanship of the PTI. And they were making that excuse. आप देखिए ना, अब आपने आगाजी बात का controversial statement से किया है. No, Your Honor. आप हमें सिर्फ ये बता दें कि वो जो petition आपने जो file की थी, वो क्यों pend हो गई? उसको आपका क्या बना? आपने उसको जिंदा क्यों रखा है? Your Honor, वो उसके साथ club है, वो same petition है, disqualification का issue है क्योंकि इसमें chairman ने election नहीं लड़ा. इसलिए वो उसके साथ हमने club करवाया कि legal issue पे, legal issues पे, yes. 332 है. Yes, Your Honor. खान साहब मुझे बात समझ नहीं है, आप मुझे समझा दें खान साहब. आई हैव नॉट अंडरस्टूड. जरा मुझे नहीं, जरा समझा देना बात. समझ नहीं आ रही बात की जात. हमने वो पिटीशन उसके साथ इसलिए क्लब करवाया कि जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने दी थी. पहले बताया 332 है क्या? 332 वो पिटीशन है जिसमें हमने चेयरमैन पीटीआई के रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप के केस के सिलसिले में जो नोटिस आया था उनको, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया था इमरान खान को. यस, तो उसका तो इससे इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है ना. यू आर डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रहे थे कि हम क्यों ना आपको रिमूव करें फ्रॉम चेयरमैनशिप. वो तो हम बात समझ गए. वो केस ऑर्डर है ना. यस यूर में इससे तो कोई ताल्लुक नहीं. इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप. यूर ताल्लुक है. वो डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बना के चेयरमैनशिप से हटाना चाह रहे थे. इसमें जब नोटिस आया कि आपके इलेक्शन नहीं हुए तो उसमें उन्होंने वो फैक्ट्स का जिक्र किया, लीगली इनकरेक्ट कराया. तो जब कोर्ट में चला गया, कोर्ट में पढ़ा गया तो उन्होंने कहा सेम इश्यूज इन्वॉल्व है, लिहाजा लीगल साइड पे उसके साथ अदर क्लब कर देते हैं. अदरवाइज वो इंफ्रक्चर्स हो चुका है क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट किया टू द एक्सटर्न ऑफ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन. तो अच्छा एक सेकेंड है, एक सवाल और उठेगा. जी जनाब, एक मैटर आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं. आपका मौकफ था इलेक्शन सही हो, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन, दोबारा खुश हो जाएं. तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते हैं ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? योरन, हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे. इलेक्शन पेशावर में करवाए थे तो उससे तो कोई मतलब मेजॉरिटी ऑफ रीजन. खान साहब जरा मुझे कानूनी, हम क्यों गए थे योराना? फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे इस्लामाबाद में. हमारी लीडरशिप आपने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इस्तेमाल किया. मैं ये योराना सिर्फ एक मिनट, अब आप देखिए ना, एक कोर्ट के पास एक लिस्ट पेंडिंग है. यस योराना, इलेक्शन ही के मुताबिक है और ना सिर्फ आम बेंच है, उन्होंने 5 मेंबर बेंच आपके लिए बना ली है. जी, अब वो मैटर पेंडिंग होते हुए दूसरा हाई कोर्ट देख कैसे सकता है इस बात को? ये इसका जरा कानूनी जवाब दे. योर ऑनर, मैंने अर्ज ये किया कि टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया. वही ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो वही इलेक्शन कमीशन का. योर ऑनर, वही ऑर्डर है. जब हमने इम्प्लीमेंट लिया उस पर, जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमने इलेक्शन कराए पिशावर में. पिशावर में इलेक्शन ना इंस्ट्रक्शंस होने समझ गया. ये मेरे हिसाब से आपकी बात लॉजिकल है, मगर इस ऑर्डर में आपके वकील ने कहा कि नहीं इंस्ट्रक्शंस हुई है. यू आर ना, वो लीगल साइड पे इंस्ट्रक्शंस नहीं. दोबारा पढ़ते हैं ऑर्डर. सैयद अली जफर एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द पिटीशनर सबमिट दैट सिंस सिमिलर क्वेश्चन इज ऑलरेडी सब ज्यूडिस बिफोर द लर्नेड फुल बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन WP नंबर 332 एंड अदर अलाइड मैटर्स प्रोप्राइटरी डिमांड दैट इंस्टेंट पिटीशन बी ऑल्सो रेफर्ड टू द लर्नेड फुल बेंच. यस योर ऑनर, हाई कोर्ट रेज द क्वेश्चन. हाई कोर्ट हैज रेज the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your Honor, yes, to the extent of holding of intra-parties elections. That is correct. Yes. According to legal situation, it has become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections. But since the questions were involved. This is the divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, the legal questions involved in the petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that has been clubbed and referred to the full court. We held the election. They were full. The election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to Islamabad. Sorry, आपके अपने election commissioner ने कहा they were not held in Peshawar. They were held in some place called Chamkani. Your Honor, हमने arrangement करवाए थे. इनको सिक्योरिटी मांगी. हमने जो आपके असिस्टेंस हो सकती है, मैं उसका जवाब. हम तो सीनियर काउंसिल लेना चाह रहे हैं. सिर्फ देखिए खान साहब, देखिए
लेट्स गो बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. जी हम अभी उस पर नहीं आए कि आपने सही किया गलत किया, इन्होंने सही किया गलत किया. जी आप इन इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, सही किया गलत किया वो भी हम नहीं देख रहे हैं. वो ऑर्डर को आपने जाके लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जहां से एक पहले से पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी, आपने कहा इस पिटीशन को उसको साथ लगा लें चलें, ये भी ठीक है. आपकी रिक्वेस्ट पे लार्जर बेंच बना दें, उन्हें 5 मेंबर बेंच बना दी. फिर अली जफर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा जी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अब तो आपने इलेक्शन कर लिए तो अब आप ये पिटीशन इसको खत्म कर दें. उन्होंने कहा नहीं, इसको आप रखिए सब जूडिस विथ फुल बेंच. अब ये मैटर इलेक्शन का मैटर है, चलें. अब या तो आप इंतजार करते कि हाई कोर्ट, या तो आप इसको वापस ले लेते, वो आप नहीं कर रहे हैं. इंफ्रक्चर्स खुद से नहीं होती ना, कोई आएगा कहेगा फिर ऑर्डर उस पर पास करेगा जज, इंफ्रक्चर्स हो गई है वापस हो रही है, जो भी आप कहना चाहें. उस पिटिशन को आप जिंदा रख रहे हैं, आप जाके इशारा रिकॉर्ड कैसे पहुंच गए, ये मुझे समझ नहीं. देखिए ये तो सब्सिक्वेंटली जब इलेक्शन हो गए और उसको इलेक्शन कमीशन ने नल वॉर डिक्लेयर किया, फिर हम पिशावर हाईकोर्ट गए. तो लाहौर हाईकोर्ट क्यों नहीं पसंद आया? नहीं लाहौर इसकी वजह आपको वही, आप एक कोर्ट जाते हैं फिर दूसरे जाते हैं. नहीं सर, अब वो मतलब ये नहीं सर, उसका वजह है, उसकी वजह ये, जब हमने इलेक्शन कराए हमें कहीं और सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही थी, सिर्फ पिशावर में हमें सिक्योरिटी फ्राहम की गई. आप मांग लेते ना कोर्ट से बात कि मुझे सिक्योरिटी नहीं जा रही है, हम अगर हाई कोर्ट नहीं देती हम आपको इतनी देते. हाँ ये बताएं, ये ना बताएं, खान साहब मुश्किल सवाल आप इन पे छोड़ देते हैं सिक्योरिटी का. योराना ये मुश्किल सवाल हम हमेशा सीनियर काउंसिल से पूछते हैं. ये मुझे राइटिंग में जो आप सारे जो आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, जो आप देंगे राइटिंग में आपके सामने. मगर देखिए ना, फिर मसला ये है ना कि ये एक आम केस होता है ना, ये है टाइम रिलेटेड केस. ये आपको सिंबल नहीं दे रहे हैं, आपको एक सिंबल चाहिए, तो हम तो चाह रहे हैं कि अगर आपका सिंबल बनता है आपको फौरन मिल जाए तो बेश. हम आमतौर पे तो आपको बहुत टाइम दे देते, मगर इसमें फिर आपको सिंबल नहीं मिलेगा, हम ये नहीं चाह रहे. इसीलिए हमने कहा आप जब चाहें हम सुनने के लिए तैयार हैं. दूसरा, हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी, हमने मैंने अपने कोलीग्स को कहा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको पहले कर लेते हैं.